बाहर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। नमस्कार, मैं सैफी और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट। आज प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव का शुभारंभ कर दिया है। आज प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी के दौरे पर हैं। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को 1500 करोड़ रुपए की सौगात दी, विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें चर्चा का विषय बना हुआ रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भी शामिल है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काशी ने देश और दुनिया के सामने अपनी पहचान बनाई है। काशी ने आध्यात्मिक सांस्कृतिक पहचान को साथ लेते हुए खुद को स्मार्ट सिटी के रूप में प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में कहा, लंबे समय के बाद आपसे सीधी बात करने का मौका मिला और जनता के आशीर्वाद से काशी का विकास जारी है। उन्होंने कोरोना वायरस की रणनीति को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। उन्होंने कहा, यूपी ने कोरोना को बहादुरी से संभाला और सभी को मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीनेशन में यूपी नंबर 1 पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यूपी के लोगों ने वो दौर भी देखा है जब दिमागी बुखार का सामना करने में मुश्किलें आती थीं। पहले के दौर में स्वास्थ्य सुविधाएं की कमी और इच्छा शक्ति के अभाव में छोटे संकट भी बड़े लगते थे। पीएम ने कहा कि शहर में जगह जगह पर लग रही बड़ी बड़ी LED स्क्रीन्स और घाटों पर लग रहे टेक्नोलॉजी लैस इंफॉर्मेशन बोर्ड, ये काशी को आने वाले समय में बहुत मदद करेंगे। काशी के इतिहास, वस्तु, शिल्प, कला, ऐसी हर जानकारी को आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करने वाली ये सुविधाएं श्रद्धालुओं के काफी काम आएंगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काशी ने देश और दुनिया के सामने अपनी जो नई पहचान बनाई है, इस नई काशी जो अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए विकास की नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है, वह नई काशी आज स्मार्ट काशी के रूप में प्रदेश, देश और दुनिया के लिए एक मॉडल बनी हुई है। प्रधानमंत्री जी के विजन, उनका निरंतर मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा आज काशीवासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को एक नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर कर रहा है। विगत 16 महीनों से पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त है। इस महामारी के इस पूरे कालखंड के दौरान पूरे देशवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को जो योग्य मार्गदर्शन और नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मिला, दुनिया के तमाम देशों में न केवल उसकी सराहना हुई बल्कि लोगों ने उसे आत्मसात भी किया। अपनी तमाम व्यस्तता के बावजूद महामारी के इस कालखंड में काशीवासियों के साथ निरंतर संवाद, काशी की निरंतर चिंता और काशी के विकास के इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रेरणा और मार्गदर्शन आज एक बार फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी काशी की लगभग 1500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए हमारे बीच में बाबा विश्वनाथ की इस पावन नगरी में, देश की इस सांस्कृतिक राजधानी में अपना मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करने के लिए हम सबके बीच में उपस्थित हैं। मैं इस अवसर पर आप सबकी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अब देखना होगा बीजेपी की 2022 को लेकर अगली रणनीति क्या होगी। अभी के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट बाइट। नमस्कार।